अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है और आज पिशावर में हद से ज़्यादा गर्मी है। तकरीबन पिशावर पंजाब इस एरिया का जो मौसम है वो मैं बता चुका हूं, तकरीबन सेम ही है। हमारे सेटअप पर यह होता है कि बाहर टेम्परेचर सपोज अगर 36-37 भी हो तो हमारा यहाँ जो रूम है यहाँ 26-27-28 या बहुत ज़्यादा हो तो 30 से ऊपर नहीं जाता, लेकिन आज पारा क्रॉस कर चुका है। अमूमी तौर पे हम इस चीज़ का यूज़ तो नहीं करते जो मैं इस वीडियो में आप दोस्तों को दिखाने वाला हूँ, लेकिन आज हम यूज़ करने पे मजबूर हुए हैं। आप भी गर्मियों में ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि ज़्यादा ठंडा पानी जो है आप इसमें मत डालें इसका, क्योंकि आज मुझे लगा है कि आज इसकी ज़रूरत है। और सिंपल पानी तो नहीं लेकिन थोड़ा सा ठंडा है। ये पूरे जितने भी हमारे रैबिट्स हैं उन पर स्प्रे करने वाला हूँ। और इसका अच्छा है, पिछले साल भी हमने इसको थोड़ा सा यूज़ किया था। ये कोशिश करें कि ये शायद हाँ आपको नज़र आ रहा हो, देखें ये देखें मोबाइल पे भी छींटे पड़ी हैं। कोशिश करें पुआर आपने ऐसे ही इसका रखना है कि इसकी अलग अलग बूंदें निकलें, एक साथ निकलेंगे तो वो आपके रैबिट्स की जो वूल है वो ख़राब हो सकती है इससे। अच्छा जी, अभी जितने भी रैबिट्स हैं इंशाल्लाह वो सबके लिए मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। शॉर्ट सी वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि अगर आपकी तरफ गर्मी बहुत ज़्यादा हो, ये आपको जो ये फुहारा टाइप का है बोतल, ये आपको मार्केट में 300 से लेके 400 के दरमियान में कुछ इस तरह आपको मिल सकता है ईजिली। इसी अमूमी तौर पर तो हम यहाँ पर जो स्प्रे हैं मॉस्किटो का या दूसरे जो जुआ वगैरह है उसके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अभी इसको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इसके ऊपर जो है ये रैबिट को मैं स्प्रे कर रहा हूँ। अंगूरा रैबिट के ऊपर आप स्प्रे नहीं कर सकते अगर उनके ऊपर वूल हो, क्योंकि उनकी वूल जो है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन गर्मियाँ है, तकरीबन जितने भी दोस्त हैं सब ने वूल ट्रिम किए हुए हैं, आप किसी भी रैबिट के ऊपर जो है ये पानी का स्प्रे कर सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। फ़ायदा है कि आप अपने खरगोश को गर्मी से बचा सकते हैं, पंखे की हल्की सी भी हवा इनको लगेगी तो इनको जो ठंडक है वो महसूस होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि ये अरेंज कर सकें, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको बड़ी ईद के एक महीने बाद भी जाके मज़ीद गर्मियाँ हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।